हाँ जी, सभी साथियों को नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस डिफरेंशियल इक्वेशन की सीरीज में। तो अभी तक हमने चार लेक्चर हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं और हम डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन को किस प्रकार सॉल्व किया जाता है। तो लास्ट जो क्लास थी उसमें हमने डिस्कस किया था सेपरेशन, वेरिएबल सेपरेशन मेथड। तो आज हम डिस्कस करेंगे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। उससे पहले जो अभी तक हमने पढ़ लिया है उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि नेट में या गेट में या आईआईटी जेम या फर्स्ट सेकंड ग्रेड में पूछे गए हैं उनको डिस्कस करते हैं, ताकि जो पढ़ा है वो रिवाइज भी होता रहे और साथ में वो कंसेप्ट है वो अपने अच्छे से क्लियर होते रहे और एग्जाम की तैयारी है वो भी अच्छे से होती रहे। तो सबसे पहले हम देखें क्वेश्चन नंबर वन क्या पूछा है। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन x प्लस वाई इंटू डी एक्स माइनस डी वाई इक्वल्स टू डी एक्स प्लस डी वाई इज, यानी इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा। तो यहाँ पर आपके पास चार ऑप्शन गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, c इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू ई की पावर x प्लस वाई। बी ऑप्शन है c इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू ई की पावर x माइनस वाई। और c ऑप्शन है c इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई इंटू ई की पावर x प्लस वाई। और ऑप्शन d है c equals to x plus y into e की पावर x minus y, जहां पर c क्या है, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो इस क्वेश्चन को हम बात करें तो ये वाला क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था रिड्यूसिबल टू सेपरेबल वेरिएबल मेथड से। इसको हम दूसरे मेथड से सोल्व भी कर सकते हैं और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कौन सी फॉर्म में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, द सॉल्यूशन ऑफ फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई इक्वल्स टू 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स, यानी इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है। तो यहां पर भी आपके पास चार ऑप्शन गिवन है तो देखेंगे। क्वेश्चन नंबर तीन में क्या पूछा है, डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इक्वल्स टू जीरो रिप्रेजेंट, यानी ये डिफरेंशियल इक्वेशन है वो किसको रिप्रेजेंट करती है। ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ए सर्कल, ए लाइन पासिंग थ्रू होरिजन एंड ए पैराबोला। तो ये क्वेश्चन किसका है, आपको इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है फिर बताना है कि क्या है। तो इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि ए लाइन पासिंग थ्रू ओरिजन है वो किस टाइप का होता है, पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है, सर्कल की इक्वेशन क्या होती है और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है वो किस प्रकार दिखता है। तो इनके बारे में जानकारी होनी आवश्यक है और दूसरी चीज इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना भी आना चाहिए। तो ये तीन क्वेश्चन है, इनके माध्यम से हम जो कल क्लास में पढ़े थे उनको कंसेप्ट को रिवाइज करेंगे और किस प्रकार क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है वो भी सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर वन, क्या गिवन आपके पास, एक डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स प्लस वाई इंटू डी एक्स माइनस डी वाई इक्वल्स टू डी एक्स प्लस डी वाई। तो लास्ट क्लास में अगर आपने नहीं देखी तो एक बार वो क्लास जरूर देख लेना ताकि आपको बेसिक इंफॉर्मेशन है मेथड ऑफ सेपरेशन वेरिएबल की उसकी भी जानकारी हो जाए। और वहां पर हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था वो मेथड भी आप देख लेना। आज हम यहां पर दूसरे मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। तो आपके पास क्या है, दिस इज इक्वल्स टू डी एक्स माइनस डी वाई इक्वल्स टू डी एक्स प्लस डी वाई अपॉन में एक्स प्लस वाई। तो यहां पर अगर हम देखें एक चीज दिखाई दे रही है हमें कि अगर मैं यहां पर देखूं तो log ऑफ x प्लस वाई का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव कितना है, d log ऑफ x प्लस वाई, इसका मान आ जाएगा log का डेरिवेटिव कितना होता है 1 अपॉन x प्लस वाई। अब x का डेरिवेटिव dx और y का dy, यानी इस एक्सप्रेशन को मैं ये लिख सकता हूं, यानी इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूं। अगर ऐसा है तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, डी एक्स माइनस डी वाई इक्वल्स टू डी ऑफ log x प्लस वाई। अब क्या करना है, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देते हैं तो यहां से आ जाएगा डी एक्स माइनस डी वाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन डी log ऑफ x माइनस x प्लस वाई। तो यहां से क्या आ जाएगा आपके पास, दिस इज इक्वल्स टू x माइनस वाई इक्वल्स टू, ये आपके पास क्या जाएगा log ऑफ x प्लस वाई। अब हमें ऑप्शन के हिसाब से यहां पर चूज करना पड़ेगा इस सिर्फ कॉन्स्टेंट सी चूज करें या लॉग सी चूज करें। तो यहां पर हम देखना पड़ेगा हमें, तो ये आपके पास क्या जाएगा, सी इंटू एक्स माइनस वाई आ रहा है और लॉग एक्स प्लस वाई आ रहा है। तो ठीक है, यहां से हम क्या कर सकते हैं, ई की पावर, अगर एंटी लॉग लेंगे तो
e की पावर x माइनस वाई बनना चाहिए, तो e की पावर x माइनस वाई है वो सिर्फ ऑप्शन b और d में बन रहा है। और c आपके पास क्या रहा है, एक तो इसके साथ मल्टीप्लाई में है और दूसरी चीज है ठीक है, तो यहां से क्या कर सकते हैं प्लस log c। c यहां पर क्या आपके पास आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो log c भी आपके पास एक कांस्टेंट होगा, तो इसका चुनाव हमें इसके ऑप्शन के आधार पर करना पड़ेगा। तो यहां से क्या जाएगा आपके पास x माइनस वाई इक्वल्स टू log ऑफ m प्लस n से क्या जाएगा c टाइम x प्लस वाई, और दोनों साइड एंटी लॉग लेने पे क्या आ जाएगा e की पावर x माइनस वाई इक्वल्स टू c टाइम x प्लस वाई, यानी ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया है, सी बी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो यहां पर आने के बाद भी कई बार आपको ऑप्शन किस प्रकार सेट करने हैं उसका भी ध्यान रखना होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसका ऑप्शन बी है वो करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्या पूछा गया आपसे, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन, और डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई इक्वल्स टू वन प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। क्या कर सकते हैं कि वेरिएबल सेपरेशन है, dy वाले एक साइड कर लेते हैं और dx वाले एक साइड कर लेते हैं, चाहे तो आप यहां से लिख के भी कर सकते हैं और चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट लिख लेता हूं dy अपॉन में 1 प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू dx अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर, और दोनों साइड क्या कर देते हैं इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो यहां से क्या आ जाएगा बताओ, 1 अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर का इंटीग्रेशन y के सापेक्ष कितना होता है, आप सभी फॉर्मूला जानते हो tan इनवर्स y, यही तो था ना, चूंकि इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर का मान कितना होता है tan इनवर्स x होता है। तो ये फॉर्मूला हम यहां से अप्लाई कर सकते हैं, दिस इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस कांस्टेंट, वही कांस्टेंट हमें ऑप्शन के आधार पर देखना पड़ेगा। तो यहां पर क्या है c भी है और tan इनवर्स c भी है, लेकिन ज्यादा ऑप्शन में tan इनवर्स c, तो यहां पर हम एक बार tan इनवर्स c लेके देख लेते हैं सही हो रहा है नहीं हो रहा। यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x इक्वल्स टू tan इनवर्स c, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो रहा है, यहां पर आपका ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो रहा है। गलती क्या होती है जल्दबाजी में, ये क्वेश्चन है आसान होते हैं लेकिन जो सिली मिस्टेक है वो सबसे ज्यादा होती है, तो हम जल्दबाजी में देखते हैं दिस ठीक है tan इनवर्स y tan इनवर्स x प्लस बराबर c, हमें c भी दिखाई देता है tan इनवर्स y भी दिखता है tan इनवर्स x भी दिखता है, हम प्लस या माइनस बीच में ध्यान ही नहीं देते हैं। तो जल्दबाजी में जो सिली मिस्टेक्स होती हैं वो यहां पर होती है, और ये आसान क्वेश्चन अगर हमारे गलत हो जाते हैं तो हम कॉम्पिटिशन में काफी पीछे चले जाते हैं। तो सिर्फ आपको क्या करना है, कंसेप्ट क्लियर करके जो सिली मिस्टेक हो रही हैं उन पे कंट्रोल करना है, और वो कैसे होंगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे, तो टेस्ट सीरीज से भी आपको पता चलता है कि क्वेश्चन की फ्रेमिंग कैसे होती है। ये क्वेश्चन आसान है जब आप सब्जेक्टिव करते हो, लेकिन क्वेश्चन की जैसे ही फ्रेमिंग होती है तो वहां पर गलती होने की संभावना रहती है। तो एक अच्छी टेस्ट सीरीज में क्या रहता है कि ये क्वेश्चन की फ्रेमिंग है वो काफी शानदार लेवल की होती है, तो उस चीज का आपको ध्यान रखना है। एक टेस्ट सीरीज अच्छी आपको ज्वाइन करनी ही करनी है, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करो, चाहे सेकंड ग्रेड की तैयारी करो, चाहे आप सीयूटी की तैयारी करो, चाहे आप यूराट पीजी की तैयारी करो, किसी की भी तैयारी करो, क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज्यादा करनी है और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने हैं। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो क्या जाएगा आपके पास तीन नंबर क्वेश्चन, डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास गिवन है x dy माइनस y dx इक्वल्स टू जीरो। तो सबसे पहले आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करना, सॉल्व करना है, और फिर जो सॉल्यूशन आई उससे आपको बताना है किसका सॉल्यूशन है। तो क्या कर सकते हैं आप यहां से, दिस इज इक्वल्स टू x dy इक्वल्स टू y dx, वेरिएबल को सेपरेट कर सकते हैं, यानी y वाला एक साइड आ जाएगा और x वाला है वो एक साइड चले जाएगा। फिर हमें क्या करना है, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देते हैं, दिस इंप्लाइज log y इक्वल्स टू log x प्लस log c, और यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, ये मैं इसको इस साइड लेता हूं या इसको इधर रख लेते हैं, तो log y इक्वल्स टू log ऑफ cx, और दिस इंप्लाइज दोनों तरफ एंटी लॉग लेने पर y बराबर cx। अगर आपको पता है ये किसको रिप्रेजेंट करती है तो आप डायरेक्ट बता सकते हो।
अगर आपको ये नहीं पता ये वाला कर्व है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, ये सर्कल है या ये आपके पास रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है या पैराबोला है, तो वहां पर समस्या हो सकती है। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये आपके पास वाई बराबर एम एक्स साइड में तो है, सी यहां पर क्या है आर्बिट्री कॉन्स्टेंट, और वाई बराबर एम एक्स यानी जीरो से पास होने वाली लाइन का कनेक्शन है। तो ये आपको किसको रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रेट लाइन जो कहां से पास होती है, ओरिजिन से पास होती है। तो ये लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो ऑप्शन सी है वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस टाइप से इन क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। और क्या पूछा गया, इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि आपसे पूछा क्या जा रहा है, ये नहीं कि सोल्व तो कर रहे हैं लेकिन फाइनल स्टेज तक हम पहुंच ही नहीं पा रहे। कई बार आपको क्या है कुछ फॉर्मूला भी अप्लाई करके दे सकते हैं, जैसे यहाँ पर tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x, इसका फॉर्मूला भी दे सकते हैं सभी जगह। तो अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो आप फाइनल रिजल्ट तक पहुंच ही नहीं पाओगे, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और इसी क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, माइनस की जगह अगर मैं यहां पर प्लस कर देता हूं तो इस क्वेश्चन का आंसर है वो चेंज हो जाएगा। क्या होगा, जैसे यहां पर प्लस किया तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस, और यहां पर जाके इसके बाद ये क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, लॉग ऑफ एक्स यहां पर क्या आ जाएगा प्लस वाई बराबर लॉग सी, और यहां पर क्या आ जाएगा एक्स वाई बराबर सी। और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, दिस रिप्रेजेंट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो ऑप्शन वो ए है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो थोड़ा सा चेंज किया है, प्लस और माइनस अगर आपने इस क्वेश्चन को याद करने की कोशिश की, रटने की कोशिश की, अगर आपने माइनस वाला याद किया है और यहां पर प्लस वाला आ गया तो इसका ऑप्शन भी चेंज हो गया है। तो छोटी छोटी चीजें हैं, आपको ये नहीं कि याद करनी, याद क्या कर सकते हो आप, कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं या कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो है सिर्फ वही याद कर सकते हैं। अगर आप क्वेश्चन याद करने लगोगे या रटने का प्रयास करोगे तो पक्का आप वहां पर मार खाओगे, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। यहां पर माइनस है तब आंसर अलग आएगा, प्लस हो रहा है तो अलग आएगा। और यहां पर ही चेंज ऐसे भी हो सकता है कि यहां पर x की जगह रख देता y dy प्लस यहां पर x dx बराबर जीरो, ऐसा भी हो सकता है। इंटीग्रेशन करेंगे दोनों साइड तो क्या जाएगा, यह आ जाएगा आपके पास y स्क्वायर अपॉन 2 प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 बराबर c, ये तो आएगा आर्बिट्री कांस्टेंट। और यहां से आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 2c, और इसका नाम दे देता हूं मैं कुछ नया कांस्टेंट k, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर k या c डैश। किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है एक सर्कल को, तो आपके पास ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ये बी करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। तो माइनस का मिस्टेक है वो इसके पूरे सॉल्यूशन को चेंज कर सकता है, तो इसलिए हमें कंसेप्ट को समझना है कि इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें वेरिएबल को सेपरेट किया जा सकता है, तो हम इसको इस प्रकार से सोल्व करेंगे। तो अब देखते हैं होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले हम बात करें होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, समघात अवकल समीकरण, समघात अवकल समीकरण। क्या होती है आपके पास समघात अवकल समीकरण, मैंने जो होमोजीनियस फंक्शन था उसके अंदर डिस्कस भी किया था कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। और अगर आपको होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन समझनी है तो आपको होमोजीनियस फंक्शन के बारे में समझना होगा। तो अगर आपने होमोजीनियस फंक्शन का जो वीडियो दो दिन पहले अपलोड किया था वो नहीं देखा है तो प्लीज एक बार वो वीडियो देखें ताकि जो होमोजीनियस फंक्शन का कंसेप्ट है वो आपके अच्छे से क्लियर हो जाए, उसके बाद ये वाला जो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आसानी से समझ आ जाएगा। तो क्या होती है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन हम पढ़ रहे हैं इस फॉर्म की, dy / dx = f of xy, फर्स्ट फॉर्म चल रही है। तो ये इक्वेशन है वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कब कहलाती है, जब आपके पास fxy ये फंक्शन क्या हो जाए, fxy इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ जीरो डिग्री। अगर ये फंक्शन fxy एक होमोजीनियस फंक्शन हो जाए किसका, जीरो डिग्री का, अगर जीरो डिग्री होमोजीनियस फंक्शन है तभी ये क्या होगा, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। अगर एक डिग्री दो डिग्री तीन डिग्री का है तो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगी। या मैं इसको इस प्रकार भी बोल सकता हूं कि अगर फंक्शन एफ एक्स वाई को इस फॉर्म में लिख सकें, एफ एन एक्स वाई बराबर अपॉन
एफ वन एक्स वाई अपॉन एफ टू एक्स वाई। तो यहां पर एफ वन और एफ टू क्या होने चाहिए, दोनों के दोनों होमोजेनियस फंक्शन होने चाहिए ऑफ सेम डिग्री, सेम डिग्री। तो अगर इस फॉर्म में दे रहे डेफिनेशन तो एफ वन एक्स और एफ टू एक्स सेम डिग्री होमोजेनियस फंक्शन होने चाहिए। तो ये दो डिग्री का है, ये दो डिग्री का है, तो कंबाइंड कितने डिग्री हो जाएगा, जीरो डिग्री हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए हम बात करें कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स प्लस एक्स वाई। तो यहां पर ये फंक्शन मैं मान लेता हूं एफ वन एक्स वाई है, कितने डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन है, दो डिग्री का। ये वाला फंक्शन एफ टू एक्स वाई है जो कि किसके बराबर है, एक्स इंटू वाई, तो ये भी दो डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन है। और ये दो डिग्री का है, ये दो डिग्री का है, तो टोटल कितने डिग्री हो जाएगा, ये वाला जीरो डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन है। कितने का, जीरो डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन है। तो अगर ऐसा हो रहा है तब हम क्या बोलते हैं, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो होमोजेनियस है या नहीं। उसके बाद हम देखते हैं कि इस प्रकार के डिफरेंशियल इक्वेशन को किस प्रकार सॉल्व किया जाता है। तो एक क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं, और कई साथियों को समस्या ये भी आ रही होगी, सर हमें कैसा पता चलेगा कि इसको मेथड ऑफ सेपरेशन वेरिएबल से करना है या होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन वाले मेथड से करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, जो शुरुआत से सबसे पहले आपको देखना है कि इसमें वेरिएबल है वो सेपरेबल हो रहे हैं नहीं हो रहे। अगर वेरिएबल सेपरेबल हो रहे हैं तो आपको मेथड वन लगाना है, सेपरेशन वेरिएबल मेथड। अगर वहां पर समस्या आ रही, जैसे मैं क्वेश्चन लिखता हूं, एक अच्छा क्वेश्चन है एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट इनटू डीएक्स। तो यहां पर आपको ये क्वेश्चन गिवन है, अब आपको क्या करना है, इसको सोल्व करना है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले dy अपॉन dx करने की कोशिश करोगे। तो यहां से क्या आ जाएगा, x dy इक्वल्स टू, दिस इज इक्वल्स टू y प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू dx। तो यहां से आपके पास dy अपॉन dx क्या जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू y प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन x। तो यहां से आप x और y को क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो, क्या इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो कि एफ वन एक्स आ जाए और दूसरा फंक्शन आपके पास वाई का जाए, जिसको मैं बोल सकता हूं एफ टू वाई। अगर इस प्रकार लिखा जा सकता है तब तो हम सेपरेशन वेरिएबल मेथड अप्लाई कर देंगे, लेकिन ऐसा हम नहीं लिख सकते हैं, ऐसा नहीं लिखा जा सकता। क्यों, क्योंकि एक्स और वाई है वो अलग अलग नहीं हो सकते। तो अगर ऐसा नहीं हो रहा तब हमें आगे का सोचना है। तो सेकेंड मेथड हमारा होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहां पर हमें देखना है कि आपके पास फंक्शन है एफ एक्स वाई, ये कितने डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन है। और होमोजेनियस फंक्शन चेक करने के लिए मैंने क्या बताया था, होमोजेनियस फंक्शन में कि आपको x को लेमडा x से रिप्लेस करना है, y को लेमडा y से रिप्लेस करना है, और लेमडा की पावर n कॉमन आ रही है तो हम क्या बोल देते हैं कि n है वो होमोजेनियस फंक्शन की डिग्री। तो यहां से हम पुट करते हैं, तो वाई के लिए लेमडा वाई प्लस लेमडा एक्स का होल स्क्वायर प्लस लेमडा वाई का होल स्क्वायर अंडर रूट अपॉन में लेमडा एक्स। तो यहां से क्या कॉमन आ रहा है, अंडर रूट से बाहर निकले लेमडा, यहां लेमडा, यहां से भी लेमडा, तो कितना हो जाएगा, लेमडा की पावर जीरो, और ये आपके पास आ जाएगा एफ ओ एक्स, यानी ये जीरो डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है। और हमें चाहिए भी जीरो डिग्री होमोजीनियस फंक्शन, इसका मतलब यहां पर हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, जो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने का जो मेथड है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब ध्यान रखना, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आपको सोल्व करनी है तो ये एक चीज का ध्यान रखना कि y बराबर vx पुट करना है, ये आप रट लो या ध्यान में रखो या याद रखो, कुछ भी करो। अब हमें क्या करना है, x के सापेक्ष इसका डेरिवेटिव करना है। तो dy अपॉन dx इक्वल्स टू v, x का करेंगे तो v एज इट इज प्लस x एज इट इज dv अपॉन dx। क्या किया हमने, x का किया तो v एज इट इज आ गया प्लस x एज इट इज v का dv अपॉन dx। तो dy dx की जगह क्या रिप्लेस कर देंगे, v प्लस x dv dx, और जहां जहां y है वहां वहां vx पुट कर देंगे। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, v प्लस x dv dx, y की जगह आ जाएगा vx प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस vx का होल स्क्वायर अपॉन में
आपके पास x यानी कि x है, तो ये आपके पास आ जाएगा दिस इज इक्वल टू x, यहां से कॉमन ले लेता हूं अंडर रूट से तो x बाहर आएगा, x x कैंसिल आउट, v प्लस 1 प्लस v स्क्वायर का अंडर रूट, और यहां पर v प्लस x dv dx, तो v से v कैंसिल आउट हो रहा है, तो क्या आ जाएगा x dv अपॉन dx इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस v स्क्वायर। सही है यहां तक, कोई समस्या किसी को? आगे क्या करना है? अब यहां पर क्या हो रहा है कि v और x का फंक्शन है वो सेपरेट हो रहा है, तो ये हमेशा ही होगा, जैसे आप होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो अगर y बराबर vx मानते हो तो v और x में आपके पास क्या हो जाएगी, सेपरेशन वेरिएबल मेथड है वो अप्लाई हो जाएगा। तो ये किसका फंक्शन है? v यहां पर डिपेंडेंट वेरिएबल और x क्या है? इनडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब क्या कर सकते हैं, x वाले एक साइड और y वाले एक साइड, तो dv अपॉन 1 प्लस v स्क्वायर दिस इज इक्वल्स टू dx अपॉन x। क्या करना है? दोनों साइड इंटीग्रेशन करना है, दोनों साइड इंटीग्रेशन करना है, और आप सभी जानते हो कि इंटीग्रेशन dx अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर का अंडर रूट का इंटीग्रेशन क्या होता है, दिस इज इक्वल्स टू log ऑफ x प्लस अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर। अगर आपको ये फॉर्मूले याद नहीं है तो इसके क्वेश्चन है वो नहीं होंगे, तो आपको सिर्फ इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हैं वो याद करने पड़ेंगे। यहां से क्या आ जाएगा, log v प्लस अंडर रूट 1 प्लस v स्क्वायर इक्वल्स टू ln x प्लस ln c। यहां पर कॉन्स्टेंट है वो log की फॉर्म में ले लेते हैं ताकि सिंप्लीफाई करना आसान रहे, तो यहां से क्या आ जाएगा log cx, और एंटी log लेंगे तो v प्लस अंडर रूट 1 प्लस v स्क्वायर इक्वल्स टू xc, और v का लास्ट में क्या करना है, वैल्यू पुट, तो जब y बराबर vx है तो यहां से v का मान कितना आ जाएगा, y अपॉन x आ जाएगा, तो यानी y अपॉन x प्लस 1 प्लस y अपॉन x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू xc या cx। अब आपको जिस फॉर्म में भी आपसे पूछा गया है उस फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर सकते हो, आप यहां से क्या कर सकते हो, x स्क्वायर कॉमन ले सकते हो और x को उधर भेज सकते हो, तो जिस फॉर्म में आपको सॉल्यूशन गिवन है या जिस फॉर्म में ऑप्शन में पूछा गया है उस प्रकार हम इसको सेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमें इस मेथड से जो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको सॉल्व करना है। तो यहां पर मैं ध्यान में रखने वाली चीज क्या है कि dy / dx करने के बाद ये आपके पास 0 डिग्री होमोजीनियस फंक्शन होना चाहिए, उसके बाद y बराबर vx पुट करना है और इसका डेरिवेटिव x के सापेक्ष करना है, तो क्या आ जाएगा dy / dx equals to v plus x tan dv dx, तो ये मान दोनों आपको इस इक्वेशन में पुट करना है, तो आपके पास v और x में सेपरेबल वेरिएशन मेथड है वो अप्लाई हो जाएगा, यानी वहां पर v और x को अपन सेपरेट कर सकते हैं और इस डिफरेंशियल इक्वेशन को जो मेथड फर्स्ट था उसे सोल्व कर सकते हैं। तो ये है मेथड समघात अवकल समीकरण को सोल्व करने का। तो ये था आपके पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है और उसको किस प्रकार सोल्व किया जाता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी होती हैं जो होमोजीनियस नहीं होती हैं लेकिन उनको रिड्यूस किया जा सकता है, कुछ यहाँ पर चेंज करके होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बनाए जा सकते हैं, तो उनके बारे में चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको सोल्व कर लीजिए, और कहीं पर भी आपको कोई समस्या हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और उसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद है।